तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए एपिसोड पे जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ एक ट्राइपॉड के बारे में। जो ट्राइपॉड आप वीडियो में देख रहे हैं वो मोस्ट सेलिंग ट्राइपॉड ऑफ इंडिया है। यस, यही ट्राइपॉड सबसे ज़्यादा खरीदा गया, यही सबसे ज़्यादा देखा गया, हर ऑनलाइन वेबसाइट से इसी खरीदा गया। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये ट्राइपॉड का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये मेरा हॉनेस्ट रिव्यू है। मैं कंपनी को किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ। तो ट्राइपॉड मोस्ट सेलिंग इसलिए बना क्योंकि इसका जो रेट है, जो प्राइस है, बहुत ही कम है एक नॉर्मल ट्राइपॉड से। यानी 299 में ये ट्राइपॉड आपको मिल जाएगा। यानी 299 में आजकल क्या आता है, ये ट्राइपॉड आ जाएगा जो 6 फीट का आता है। आराम से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट इसकी जो मेन खूबी है जो मैं आप बताने वाला हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो रही बात आप ट्राइपॉड ले लिए, तो ट्राइपॉड लेने के बाद आपको मैं 100% दावे से कह सकता हूँ 1 से 10 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको रस्सी या कपड़े से इसमें बांध के यूज़ करना पड़ेगा। इतनी बेकार क्वालिटी आती है, मैंने खुद देखा है, मेरे घर में भी खुद पड़ा हुआ वेस्ट है ये लिए सो। और उसके बाद जो मेन बात आता है, इसका जो स्टैंड है सबसे बेकार है। अगर आप फ़ोन के ले रहे तो ठीक है, अगर DSLR के ले रहे तो कभी ज़िंदगी में मत लेना। या तो 700-800 रुपये डाल के तो ढंग के खरीद लीजिए, नहीं तो आप खरीद ही मत ट्राइपॉड। सच बता रहा हूँ, ये ट्राइपॉड सबसे बेकार क्वालिटी का है। जब ये डब्बे से आया था, इसका जो बैग है, जो लुकिंग एक प्रोफेशनलिज्म दिख रहा था, बट जब मैंने इसे यूज़ किया मैं बहुत ही डिससेटिस्फाई इस प्रोडक्ट से। मैंने इसका रिव्यू भी कर दिया, मैंने अमेज़न से मंगाया था तो मैंने अमेज़न के रिव्यू भी कर दिया कि मेरे को सबसे बेकार क्वालिटी लगा। पता नहीं कैसे अमेज़न रिव्यू भी इतने सारे लोग लिखे थे कि मेरे को पसंद आ गया। मात्र 299 का, शायद इसलिए उन लोगों ने रिव्यू डाल दिया होगा, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतने पैसे देने के बाद भी इतना घटिया क्वालिटी मिले तो बहुत बड़ी बात है। 400-500 में इससे भी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है जिससे आप DSLR भी टैंक कर सकते हो। तो मैं दे रहा हूँ कि मैं कोई भी कंपनी को डिफेम नहीं करना चाहता, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो मेरे को पसंद नहीं आया, पसंद आएगा तो मुझे पसंद आएगा। थैंक यू।